देश के सबसे विवादित मामले का आज सुप्रीम कोर्ट में निपटारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जो लंबे समय से हर कोई जानना चाह रहा था कि अयोध्या मसले का क्या समाधान निकलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। हालांकि 2010 में भी फैसला आया था लेकिन तीनों पक्षों ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। मसला सर्वोच्च अदालत में था और आज ऐतिहासिक फैसला आया। हम अयोध्या के लोगों से ही जानते हैं उनकी राय इस फैसले को लेकर। देखिए, बहुत अच्छा फैसला आया है और सौहार्द का फैसला है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई तफरका पैदा ना हो। हाँ। क्योंकि राम जी ने जो है अपना जान तो मुसलमानों के दिया है, इस नाते राम की जान का महीना रमजान का महीना है। हाँ। और देह हमें दिया है। अगर हिंदू देह है तो मुसलमान जान है। हाँ। और जान बिना देह नहीं रह सकता है और देह बिना जान नहीं रह सकता है। इस नाते हम लोगों को आज मुसलमानों गले लगाने की आवश्यकता है और ये सबक देखना है पूरे विश्व को कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक हैं, एक रहेंगे, सबके सब हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपको भी लग रहा है कि अब इस फैसले के बाद जी। जो विवाद था वो खत्म हो गया जी, जी, मंदिर मस्जिद का जी, क्योंकि मुसलमानों को भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाएगी जहां पर मस्जिद का निर्माण जी जी जी। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत सराहनीय फैसला है। इस फैसले से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और हम लोग ये चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला दिया उसकी हम सराहना करते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी इस फैसले से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए और मुस्लिम भाइयों को भी दिया गया है 5 एकड़ जमीन, वहाँ पे मुस्लिम भाइयों को भी मंदिर मस्जिद बनाना चाहिए। चलिए चलिए, कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को भी वहाँ पर मस्जिद बनाना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि मसले का निपटारा हो गया सुप्रीम कोर्ट के? हाँ, निपटारा हो गया। अब भव्य मंदिर बनेगा। हम बहुत खुश हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं और ये हमें वर्जन मिला है और हम शाम को रामलला के दर्शन करेंगे। हम लोग भी दिल्ली से आए हैं और हमें ये पता नहीं था कि आज ही होगा। यहाँ आके पता लगा कि आज फैसला। उसी परिक्रमा पर आए थे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग तो वैसे ही एक अपना वेकेशन मनाने आए थे, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि फैसला आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको फैसला कभी से माना ही नहीं है। फैसला तो तब कहा जाता है जब किसी कोर्ट में किसी दो पार्टी का रिकंसिलेशन कराया जाता है या परसुएशन कराया जाता है या फिर कोर्ट जजमेंट देता है। ये तो एक सत्य था जिसको मानना था, देर से माना लेकिन माना। और ये अब मैं ये चाहता हूँ कि अब सारी जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग एक यूनिटी के साथ रहे और इसको राम मंदिर से ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम ये कहेंगे इसको हम एक टेंपल ऑफ यूनिटी मान लिया जाए। कोई अच्छा किसी ये तरह कि अब यहीं पर मुस्लिम भाइयों को कोर्ट ने कहा है कि 5 एकड़ जमीन दी जाए और यहीं पर वो मस्जिद का निर्माण। ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मैं जो सभी सराहना करते हैं। लेकिन कई लोग इस तरह के बयान देते थे कि नहीं, उनको तो सरयू के पार या लखनऊ में जमीन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको जहाँ उचित होगा दिया जाएगा, ठीक है ना, अयोध्या में ही दिया जाएगा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जहाँ रामलला है वहीं उनका जो है जन्मस्थान और यहीं मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। इसके लिए सारे अध्यावासी हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। जय श्री राम। लोग भी इस फैसले से खुश हैं और ये कह रहे हैं कि अयोध्या में ही मस्जिद का भी निर्माण हो और ये अच्छा होगा आपसी भाईचारे के लिए। और अयोध्या जिस चीज़ के लिए जाने जाती है, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, जो कि पहले भी कायम था और आगे भी कायम रहेगा। कैमरामैन वीर सिंह के साथ प्रत्यूष खरे, अयोध्या, न्यूज़ 24।